में खूबसूरत नाद और शीरी आवाज में सुनने के लिए हम अपने एक खास मेहमान जो मऊ नाथ भंजन से तशरीफ लाए हैं उनकी खिदमत में चलें और अर्ज करें कि तशरीफ लाइए और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अकीदत पेश कीजिए। मेरी मुराद है हजरत हाफिज आदिल हेरा साहब जो मऊ नाथ भंजन से तशरीफ लाए हैं, मैं इन दो शेरों के जरिए उन्हें आवाज दे रहा हूं कि ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती, तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती, ये फसाने मोहब्बत बज़बाने दीगरा क्या, ये फसाने मोहब्बत बज़बाने दीगरा क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती। आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं मऊ नाथ भंजन से आए हुए मेहमान खास हजरत हाफिज आदिल हेरा, आपके सामने तशरीफ फरमा। आइए मैं तमाम उलमाए इकराम को शरीक करता हूँ और नाते पाक के चार मिसरे हाजिर करता हूँ। हेलो 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 इरशाद सुनना चाहते हैं ना, एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व सल्ली अला। एक बार बोलते हल्की सी आवाज में सुभान अल्लाह। के सरदार के नबियों का पड़ा है वो शेर हाजिर करता हूँ। उलमाए इकराम को शरीक करता हूँ और इनके हवाले से शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास समाज फरमाए। अगर शेर अच्छा लगे आप हजरात की दुआएं चाहता हूँ बतौर खास समाज फरमाए। सरदार के नबियों का इंजील को ईसा पे तोरे थे मूसा पे चार मिसरे
और हाजिर करता हूँ फलस्तीन को अपने जहन में रखें और ये चार मिसरे हाजिर करता हूँ उसके खास समाज में। सुनना चाहते हैं ना, एक बार अपना जिंदा दिली का सबूत दे, एक बार पूरा मंजा बोल दे तड़प के सुभान अल्लाह। कि कौन हो तुम पैगेल सोचो, खुद को पैग जानो उठो। कौन हो तुम पैगेल सोचो, खुद को पैग जानो उठो। वक्त की है ये सदा है मुसलमान उठे। मस्जिद अक्सा बुलाती। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहतरम प्रधान साहब ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, बेहद शुक्रगुजार हूं। जिस तरह से ये शेर सुनना चाहिए था आपने वैसे सुना नहीं। बहरहाल मैं ये दोबारा हाजिर करता हूं, सुनना चाहते हैं ना, सुनेंगे। पेश करता हूं समाज फरमाए। कौन हो तुम पैगेल सोचो, खुद को पहचानो उठे। वक्त की है ये है मुसलमान उठो। मस्जिद अक्सा बुलाती है मुसलमानों उठो। और चंद शेर हाजिर करता हूँ, थोड़ा सा एक बना दीजिए मेरे भाई। मक्का है खुशियों में डूबे,
फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में हाजिर करता हूँ। इधर फारूक आजम साहब गुस्से में बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लेने के लिए जाते हैं और फिर क्या होता है, हाजिर करता हूँ शेर बतौर खास समाज फरमाए इकराम की मौजूदगी में, शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास समाज फरमाए। अहले मक्का है खुशियों में डूबे, बुत कदों में खल चल मची गए, कुफरियत मुंह छुपाने लगे गे, बुत कदों में खल चल मची गए, कुफरियत मुंह छुपाने लगे गे, छुपाने लगी गए, आगे आगे मेरे मुस्तफा गए, पीछे पीछे उमर आ रहे गए, आगे आगे मेरे मुस्तफा गए, पीछे पीछे उमर आ आदर करता हूँ मोहब्बतों के साथ समाज फरमाए। लब पे सल्ले अल्लाह को सजा ले, मैं बख्शिश की अपने दुआ लिख रहा हूँ, मन्नते हबीबे खुदा लिख रहा हूँ, मैं बख्शिश की अपने दुआ लिख रहा हूँ, मनाते हबीबे खुदा लिख रहा हूँ, फरिश्तों की नजरें, फरिश्तों की नजरें कागज कलम पे, कागज़े पे सल्ले अल्लाह लिख रहा हूँ, मैं कागज़े पे सल्ले अल्लाह लिख रहा हूँ, फरिश्तों की नजरें, फरिश्तों की नजरें कागज कलम पे, मैं कागज़े पे सल्ले लिख रहा हूँ, मैं कागज़े पे सल्ले अल्लाह लिख रहा हूँ। और चार मिसरे आधे करता जी पसे मंजर में बतौर खास समाज फरमाए। एक बार बोलते सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं उनका नेटवर्क थोड़ा सा लेट है। मैं हाजिर करता हूँ बतौर खास, मिल के सुने इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। कि सुल्तान दो आलम का नगर ढूंढ रहा हूँ, नगर ढूंढ रहा हूँ, सुल्तान दो आलम का नगर ढूंढ रहा हूँ, अल्लाह के महबूब का दर ढूंढ रहा हूँ, दर ढूंढ रहा हूँ,
मुखड़ा अर्चन बंद हाजिर करता हूँ बतौरे खास मात्र मेरे भाई इस को बढ़ाने के लिए कहा अभी तक नहीं बढ़ा बढ़ा जी जी हेलो 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 हाजिर करता हूँ बताओ बतौरे खास मात्र करें के खुल्द में अगर अच्छा और सच्चा लगे आपकी दुआएं चाहता हूँ बतौरे खास साथ करें कि खुल्द में जो आमिना की लाल जाएंगे खुल्द में जो आमिना के लाल जाएंगे आगे आगे हजरत बिलाल जाएंगे खुल्द में जो आमिना के लाल जाएंगे आगे आगे हजरत बिलाल जाएंगे हमारा अकीदा है ये आगे आगे कौन जाएगा एक बार बोले तड़प के आगे आगे हजरत बिलाल जाएंगे खुल्द में जो आमिना के लाल जाएंगे करता हूँ कि किस को खबर थी बद्र के दिन वो जगल की शामत आएगी किस को खबर थी बद्र के दिन वो जगल की शामत आएगी किस को खबर थी बद्र के दिन वो जगल की शामत सरदारी भी जाएगी जंग में जो दोनों ने हाल जाएंगे काम करने ऐसा बेमिसाल बहुत आमिना के लाल जाएंगे आगे आगे हजरत बिलाल जाएंगे कितने हजरत यहाँ मौजूद हैं जो मदीना मुबारक की ज़ियारत नसीब करना चाहते हैं पर हाथ उठा के बताएं कितने हजरत हैं जो मदीना जाना चाहते हैं मैं हाजिर करता हूँ तमाम आशिके मुस्तफा को अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए मैं बंद हाजिर करता हूँ उधर एक खास समाज फरमाए आगे आगे हजरत बिलाल जाएंगे किस्मत से मदीने आते जाते रहते किस्मत से धंधे वान मदीने आते जाते रहते अपने गरीबी भी हम लेकिन अश्क बगाते अपने गरीबी बेगम लेकिन अश्क बगाते रहते हैं इंशाअल्लाह हम सब अगले साल जाएंगे इंशाअल्लाह हम भी अगले साल जाएंगे नेकियों से होते माला माल जाएंगे खुल्द में जो आमिना के लाल जाएंगे आगे आगे हजरत बिलाल जाएंगे दोबारा पढ़ दो ये बंद इजाजत है एक बार बोल दे तड़प के सुभान अल्लाह आगे आगे हजरत बिलाल जाएंगे किस्मत से धनवान मदीने आते जाते रहते अपनी गरीबी बेगम लेकिन अश्क बगाते रहते इंशाअल्लाह हम सब अगले साल जाएंगे इंशाअल्लाह
हम भी अगले साल जाएंगे, नेकियों से होने माला माल जाएंगे, कुल में जो आमिना के डाल जाएंगे, आगे आगे हजरत भी नाल जाएंगे। इंशाल्लाह मैं हाजिर करूंगा, मैं हाजिर करता प्रधान साहब इस नज़्म का इस नाते बात आखिरी पर हाजिर करता हूँ, बड़ा खूबसूरत पर आपके हवाले से हाजिर करता हूँ। बतरे बतास समाज फरमाए आगे आगे हजरत भी लाल जाएंगे, कूड़ा कर कटी फेंकने वाली बुढ़िया जम नदी जाए। आज हम लोग कैसे हैं? अगर मौलाना साहब अगर हमें कोई गाली दे दे कैसे खुदा की, कोई भी खामोश नहीं रहता है इसका जवाब देने में, लेकिन मेरे आका का किरदार, मेरे आका का इख्तियार कैसा था? मैं बंद हाजिर करता हूँ बतौर खास समाज में। कूड़ा कर कटे फेंकने वाली बुढ़िया जम नद जाएगी, देख के सूरती प्यारे नबी की आज वही मनाएगी, कूड़ा करकट फेंकने वाली बुढ़िया जन्नत जाएगी, देख के सूरत प्यारे नबी की आज वही मनाएगी, पूछने 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 जो आका वाले चाल जाएंगे, डाल जाएंगे, कुल में जो आमिना के डाल जाएंगे, आगे आगे हजरत भी लाल जाएंगे, आगे आगे हजरत भी लाल जाएंगे। एक मुखड़ा और चंद बंद हाजिर करता हूँ मेरा टाइम है ना, सारी 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 आगे आगे हजरत। देखिए आप जब तक सुनेंगे मैं तब तक ही पढ़ूंगा, आप अगर सुनना चाहते हैं आप बताएंगे, आप अगर खामोशी सुनेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। आगे लाल जाएंगे, अल्लाहु 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 नबी नबी अलैहि वसल्लम तस्लीम सल्लल्लाहु कि एहसान रसूल अकरम का हर किसी न भुलाया जाएगा। एक बदला और एक शेरी पढ़ता हूँ फिर उसके बाद भगवान अल्लाह पाक पर अपनी अपनी जगह ले लेंगे। तो एक खास बात फरमा ले कि एहसान रसूल अकरम का हर किसी न भुलाया जाएगा, बता हूँ।
पर बोलते हंसी हंसी आवाज में दो चार चार बंदे बंदे मान हंडा हाजिर करता हूं साथ मान इरशाद बहुत अच्छा बहुत हो कि कहती भी किसी को कहती है किसी को जब मत का टुकड़ा कहीं काश जाऊं मैं शेर दे पा बिल्कुल नहीं दादे पाक यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं बतौर खास बात कर ले कहते हैं किसी को जब मत का टुकड़ा कहीं काश जाऊं मैं शेर दे पा लब पे गए मेरे अपने आका का मैं हूं दीवाना कहते हैं किसी को जब मत का टुकड़ा है काश जाऊं मैं शेर तैयबा लब पे गए मेरे तराना अपने आका का मैं हूं दीवाना दीवाना अपने आका का मैं हूं दीवाना कि आका की जलवा आका की जलवा गरी देखी जी उंगली से कट जाए चंदा नबी आका की जलवा आका की जलवा गरी देखी जी उंगली से कट जाए चंदा नबी की उंगली से कट हाजिर करता हूँ बतौर खास दीवाना बहुत शुक्रिया कि बिस्तर पे हजरत अली को लिटा के बिस्तर पे हजरत बिस्तर पे हजरत अली को लिटा के बकरी को लेके हमरा अपने बकरी को लेके हमरा अपने बिस्तर पे हजरत बिस्तर पे हजरत अली को लिटा के बकरी को लेके हमरा अपने बकरी को लेके हमरा अपने का टुकड़ा ऐ काश जाऊं मैं शेर दे पा लब पे मेरी तराना अपने आका का मैं हूं दीवाना बहुत अच्छे बहुत अच्छे।